में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महिला हिंसा मुक्ति वाहिनी की राष्ट्रीय संयोजक सरिता भारत जी, जिनसे हम जानेंगे कि उनका संगठन महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए क्या काम कर रहा है। तो आइए बात करते हैं सरिता भारत जी से। सरिता भारत जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप अपनी बात हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। वैसे पूरे देश भर में, खासकर भारत में, महिलाओं की जो स्थिति है उस पर थोड़ा मन उद्वेलित होता है कि देश में लगभग 4 महीने की बच्चियों से लेकर 75 साल की महिला के साथ में बलात्कार, जघन्य अपराध, हिंसा, छेड़छाड़ और दहेज, आगजनी, इस तरीके की लगातार घटनाएं जो है वो घट रही हैं। और राष्ट्रीय महिला हिंसा मुक्ति वाहिनी इसकी घोर निंदा करती है। पूरे देश भर में आज हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ में इस तरीके की जो हरकतें हैं, खासकर जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ में इस तरीके की जो हरकतें हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो आज की जो पूंजीवादी व्यवस्था है, आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसने कहीं ना कहीं हमारे जो भारत देश की जो संस्कृति और सभ्यता और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर एक विकृति सी पैदा कर दी है। अब वो चाहे उसमें मीडिया का साथ रहा हो या फिर तमाम तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, जो प्रोडक्ट बाजार में उतार दिए गए हैं, मोबाइल है जो जिसमें अश्लील पॉर्न साइट्स जो चल रही हैं उस पर बैन लगाने की आवश्यकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में हम ये देखते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि देश में आज भी जो है बेटी, माँ और बहन के प्रति जो है वो इज्जत नहीं है। आप छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगी, अगर आप देखें तो हम बस में बैठते हैं या हम ट्रेन में जाते हैं या हम समाज के और बीच में गांव में होते हैं या गली मोहल्लों से गुजरते हैं या कॉलेज जाते हैं तो हम देखते हैं कि लगातार जो है जिस तरीके से खासकर पुरुष वर्ग के मुंह से जो एक माँ की और बहन की जो गाली निकलती है, ये एक पितृसत्तात्मक जो है वो समाज को एक पितृसत्ता जो जिस तरीके से हावी है महिलाओं के साथ उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। हम छूटते ही माँ की गाली देंगे, बहन की गाली देंगे। और आज की स्थिति तो इतनी भयानक हो गई है कि 4 महीने की बच्ची, 7 माह की बच्ची या 8 साल की बच्ची के साथ, आज का ये केस है कि मुरादाबाद में एक महिला के साथ छेड़छाड़ हो, लगातार कई दिन से छेड़छाड़ चल रही थी, बच्ची ने घर पे बताया नहीं और उसने जहर खा लिया और वो मर गई। और पिछले 3 दिन पहले एक 8 साल की बच्ची को अगवा कर ले गए और वो किसी तरीके से जान छुड़ाकर पड़ोसियों के घर में जाकर छुपी। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कोई अंकल मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ये जो अंकल हैं, ये जो मामा हैं, ये जो चाचा हैं, ये जो ताऊ हैं, ये जो दादा हैं या फिर ये तमाम तरीके के जो रिश्ते में लपेटे हुए जो समाज के बीच में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाचा का, ताऊ का, भाई का, मौसा का, दादा का या पिता का, ये अपने रिश्ते की मर्यादा को जाने। दूसरे के घर की बहन, दूसरे के घर की बेटी या दूसरे के घर की माँ हमारी भी बेटी है, बहन है और माँ है। और इससे भी आगे की अगर हम बात करें तो घर के अंदर भी इस तरीके की भयावह स्थिति बनी हुई है। इस मीडिया के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगी छोटी छोटी बच्चियों को कि आप लोग और माताओं को कि आप लोग अपने बच्चे को अवेयर करिए। आप लोग बताइए कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। या फिर भी हम लोग ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या 4 महीने की बच्ची को हम सिखा पाएंगे, क्या 7 महीने की बच्ची को हम सिखा पाएंगे। लेकिन मैं तमाम माओं से कहना चाहूंगी कि आप अगर बेटी को जन्म दे रही हैं तो बेटी को जन्म से ही आपको सिखाना पड़ेगा और बहुत खुल के सिखाना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, सुरक्षा का सवाल जो है वो हमारे आगे खड़ा है। और कहीं ना कहीं मैं इसको सिस्टम को दोषी मानती हूँ कि सिस्टम अगर सही हो तो इस तरीके की घटनाएं नहीं घटित हों। जिस तरीके से आज पूरा जो ओपन मार्केट सिस्टम हो गया है जिसके अंदर महिलाओं को स्वतंत्रता के नाम पर जिस तरीके से उन्हें इस्तेमाल किया जाता है,
जिस तरीके से उन्हें किसी कंपनी के लिए या किसी मीडिया के लिए या किसी भी क्षेत्र में उनके प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को, आप ये देखिए, कोई महिला अगर किसी ऑफिस में काम करती है तो उसे बॉस के अंडर में रहना होगा, बॉस जैसा कहेंगे वैसा पहनना होगा, बॉस अगर कहेंगे ऐसे खड़े होना है तो उसे वैसे खड़े होना पड़ेगा। इस तरीके की जो ये गुलामी का जो है वो प्रतीक हमें नजर आता है, खासकर भारत देश के अंदर, और ग्रामीण क्षेत्रों में हम ये देखते हैं कि महिलाएं इतनी गुलाम हैं कि उनका खुद का वोट भी स्वतंत्र नहीं है। अगर परिवार है तो वो पूरा पूरा परिवार या तो कांग्रेस की या बीजेपी है, तो वो महिलाएं भी पूरे पूरे परिवार के रूप में वोट डालेंगी, स्वतंत्र रूप में उनका वोट भी नहीं है। अगर दारू की बोतलें भिजवा दी गई या उनको पैसा भर दिया गया तो वो उनकी परिवार की महिलाओं के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आम जिसे कहेंगे आपको उसी को ही वोट डालना पड़ेगा। इस देश की नागरिकता महिला को भी प्राप्त है, तो फिर महिला स्वतंत्र क्यों नहीं? अभी 17 तारीख को रुद्रपुर में एक केस हुआ। रुद्रपुर में 17 तारीख को बहन सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने गई और सरकारी अस्पताल के जो है सरकारी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो इतने बड़े पद पे बैठे हैं और उन्होंने जो है कि मुझे गुस्सा आ रहा है और ये दरवाज़ा बंद कर दीजिए, बाहर निकलिए पेशेंट सारे, और उस महिला का जब नंबर आता है तो उसके साथ वो छेड़छाड़ करते हैं या उसकी गलत जगह पे जो है हाथ रखते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। महिला घबराती है, 100 नंबर पे फ़ोन करती है। बार बार ये प्रचार किया जाता है कि कभी कोई घटना हो, कुछ हो, आप 100 नंबर पे डायल कीजिए, इस नंबर पे डायल कीजिए, लेकिन वो 100 नंबर बंद मिलता है। महिला जब पति को बताती है तो पति अपनी कंपनी से, सीनियर इंजीनियर है, अपनी कंपनी से पास लेकर आते हैं। गेट पास लेने के बाद वो लिखित में तहरीर देते हैं अस्पताल के अंदर। लिखित में तहरीर देने के बाद में पूरा अस्पताल का महकमा अलर्ट हो जाता है और उसके पति और जो दोस्त है उसके साथ में मारपीट और हाथापाई करके उल्टा पुलिस बुलाकर उनको जेल में डाल देता है। और वहीं से शुरुआत होती है एक महिला जन आंदोलन की, क्योंकि वो बहन मजबूत है। वो बहन वैसे तो वो एक राजपूत परिवार में जन्म हुआ है, इतना इतना घूंघट करती है, लेकिन उसका जो परिवार था वो लड़ने के लिए तैयार था। या आसपास वहाँ के जो संगठन थे, रुद्रपुर के महिला संगठन थे, राजस्थान से भी राष्ट्रीय महिला हिंसा मुक्ति वाहिनी थी, वो उसमें पूरी तरीके से कूदी। FIR दर्ज जब दर्ज कराने थाने जाते हैं तो थाने में भी सुनवाई नहीं होती है और थाने का जिस तरीके का भ्रष्ट तंत्र हम लोगों को पूरे खासकर रुद्रपुर में तो है ही, पूरे देश भर में है कि अगर अकेली महिला FIR करने चली जाए तो उसको समझा बुझा के भेज देते हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब 2-3 महिला संगठन वहाँ पहुँचे, उसकी FIR लिखी गई, मीडिया ने हमारा साथ दिया, मीडिया के द्वारा हमने अपनी आवाज़ को आगे उठाया। SP थाने के बाहर महिलाएं पूरे दिन खड़ी रहीं, जिसमें ओमेक्स सोसाइटी, देव होम, आवास विकास, तमाम तरीके की जो आवासीय सोसाइटीज़ हैं वो उसमें कूदती हैं और आसपास के जो जितने भी जन संगठन हैं खासकर रुद्रपुर में, उन्हें पता लगता है, जैसे ही पता लगता है वैसे ही वो संपर्क साधना शुरू कर देते हैं। 5 महिलाओं से इसकी शुरुआत होती है और शुरुआत होने के बाद में एक कोर मीटिंग होती है। कोर मीटिंग होने के बाद एक हम लोग एक लुक बनाते हैं, मैं इसको बोलना चाहूँगी कि मणिपुर में जैसे मेरा पाई भी संगठन है, लड़ाकू विमाना संगठन, जिसको अपुनवा लुक कहा था, ऐसे ही एक लुक बनाया जाता है जिसका नाम हम लोगों ने रखा महिला हिंसा विरोधी आंदोलन समिति, जिसके बैनर तले बहुत सारे संगठन आए और हम लोगों ने 22 तारीख से धरना शुरू किया। 22 तारीख को क्रमिक अनशन लेने के बावजूद सरकार पर किसी प्रकार की जो नहीं रही। रुद्रपुर की ये घटना, 23 तारीख को महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठ जाती हैं। लगातार महिलाएं अलग अलग कार्यक्रम लेती हैं, जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता है जिसमें लगभग 1000 लोगों के हस्ताक्षर हुए। तमाम जन संगठन, तमाम कंपनियाँ, तमाम ट्रेड यूनियंस, वामपंथी विचारधारा के लोग, गांधी और मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग आंदोलनों में शिरकत करते हैं, लेकिन आंदोलनों में जो सरकारी तंत्र के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, खासकर आरएसएस जैसे सोच के लोग जो हैं वो काम करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ हमें देखने को मिली कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा दबदबा है कि साहब इसकी सरकार है तो ये इसके अंडर में ही ये चीज़ होगी और पूरा समझौते का प्रयास किया जाता है। लेकिन चूंकि वो 4 महिलाएं जो है, मैं नाम लेना चाहूंगी, बहन हितेश पीड़िता, राजकुमारी किरण और महिला अधिकार मंच से जो है उषा नरेंद्र जैन, भूख हड़ताल पर बैठती हैं और 7 दिन तक वो भूख हड़ताल करती हैं
और कुछ लोग जो हैं वो अपनी आकर आंदोलनों को जो है डिसमिस करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। उस चीज से ना डरते हुए वो चारों महिलाएं डटी रही, तमाम तरीके के महिला जन समर्थन हमें मिलते रहे, राष्ट्रीय स्तर के कई संगठन उसमें शामिल हुए, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों से हम लोगों को समर्थन प्राप्त हुआ, धरना पीक पे चलता है और तमाम तरीके की बातें चली, समझौते की चली, नहीं चली, लेकिन महिलाओं ने ये ठानी कि हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने देंगे। जब 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जब एसपी कार्यालय जाता है तो हम वहाँ देखते हैं कि एसपी के सामने विधायक साहब बैठे हैं, उनके कोने में वकील साहब बैठे हैं और उनके बराबर में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं समझौतावादी जो बराबर महिलाओं पर प्रेशर डालते हैं। जब हम एसपी साहब से पूछते हैं कि आपने साहब कार्रवाई क्यों नहीं करी तो वो कहते हैं छेड़छाड़ के एविडेंस नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ एसपी साहब से, और हमने उस समय पूछा भी कि 164 के बयान में आपने क्या करवाया, महिला ने क्या बोला, बोले 164 के बयान में महिला ने बोला कि छेड़छाड़ हुई है। 164 के बयान के बाद में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, लेकिन जो रुद्रपुर की भ्रष्ट शासन तंत्र की जो जड़ें थी वो इतनी मजबूत थी कि डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई। और इधर महिलाओं का जन आंदोलन इतना जबरदस्त था कि उसने शासन और प्रशासन की शव यात्रा निकाली और उसके बाद में भी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई और हमें अंत में वो केस हाई कोर्ट में ले जाना पड़ा। जब वो केस हाई कोर्ट में पहुंचा तो सभी आला अधिकारियों को हाई कोर्ट में बुलाया गया, हाई कोर्ट के आला अधिकारी छुट्टी लेकर बैठ गए और उन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे, वहां पर तमाम बहस चली और उसके बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई। लेकिन उसमें भी इतने मतलब प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से डॉक्टर को इतनी शह दी गई, डॉक्टर राजीव चौहान को, कि वो गिरफ्तार होता है और 4 घंटे के भीतर ही वो बाहर आ जाता है। तो इस देश की जो व्यवस्था है वो इतनी जकड़ी हुई है कि एक पढ़ी लिखी महिला जब अपनी लड़ाई लड़ती है, अपने घर से जब सड़क पर आती है, धरना देती है, प्रदर्शन करती है, उसके पति को और उसके दोस्त को बेवजह 7-8 केस लगा के, धाराएं लगा के जेल में पटक दिया जाता है, ऐसी स्थिति में एक आम महिला, एक गरीब परिवार से निकलने वाली जो महिलाएं हैं या जो गरीब परिवार से निकलने वाली जो बच्चियां हैं, अगर अपनी आवाज उठाएंगी तो उनकी क्या सुनवाई होगी। इस चीज को देखते हुए मेरा मन बहुत जो है दुखी अवस्था में है और मैं बार बार ये सोचती हूँ कि देश में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिससे महिलाएं जागरूक होकर इस तरीके की अपनी सुरक्षा, अपने सम्मान और अपने न्याय के लिए लड़ें और अपनी आवाज को बुलंद करें। राष्ट्रीय महिला हिंसा मुक्ति वाहिनी पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सवाल पर काम कर रहा है, के साथ में युवा संवाद अभियान जो पूरे देश भर में युवाओं के बीच में बेरोजगारी के सवाल पे, पूंजीवाद के सवाल पे, उपभोक्तावादी संस्कृति के सवाल पे और अमेरिकन पूंजीवाद के विरोध में और खासकर भारत की नई आजादी की जो लड़ाई है और नव साम्राज्यवाद के खिलाफ एक मुकम्मल आजादी की लड़ाई को छेड़ा हुआ है। और हम इस मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप जो है इस तरीके के मंचों से जुड़े और अपनी इस लड़ाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने गली मोहल्लों में मीटिंग्स करें, समूह बनाएं, जागरूकता अभियान चलाएं। मैं आज यहाँ मुरादाबाद में हमारे एक बहुत पुराने हमारे संगठन के साथी जो हैं जितेंद्र चौधरी, और बहुत बचपन से वो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उनकी पत्नी यहाँ मौजूद है दीपशिका चौधरी जो खुद शिक्षिका हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका प्रयास चलता है और लगातार ये लोग सक्रिय हैं। प्रधान संगठन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बचपन से लेके अभी तक हम लोग इनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं परिवर्तन का। आज इन लोगों ने जो है यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी है और उसके माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ये बात रख रही हूँ। मैं माननीय जो हमारे बड़े भाई जितेंद्र चौधरी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप मीडिया के माध्यम से जो है इस आवाज को उठा रहे हैं। और रुद्रपुर का आज ये अंजाम है कि हाई कोर्ट में पहुंचाने के बाद में आज उसके पति और दोस्त की बेल हो गई है, वो हमारे लिए बहुत सुखद है। हालांकि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी,
सात दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल करी, धरने दिए, प्रदर्शन किए, तमाम तरीके के लोगों को जोड़ा और एक नई तरीके की पहचान जो है रुद्रपुर में खड़ी हुई, क्योंकि रुद्रपुर में उस तरीके का कोई माहौल नहीं था कि एक लंबे समय तक उस तरीके का धरना चलाओ या प्रदर्शन चलाओ। और मैं इस बात को भी कहने से नहीं चूकूंगी कि वहाँ जो दूसरे और भी कई संगठन हैं वो मुझे कहीं ना कहीं व्यवस्था के साथ जो है जुड़े नजर आए, और आरएसएस और इस तरीके की जो दबावपूर्ण विचारधारा है उसमें वो एक अपनी आवाज को उस तरीके से खोलकर रखने वाले पक्ष जो है वहाँ नहीं दिखाई दिया। बहुत ही विषम परिस्थिति में इस तरीके का आंदोलन महिलाओं ने खड़ा किया और जिसका साथ बहुत सारी महिलाओं ने दिया, प्रियंका अग्रवाल, एकता, मीनाक्षी, अनीता, बहन सरोज और हीरा जन पांगी और तमाम जो महिलाएं हेमा जी रही हैं जिनका मैं नाम नहीं जानती, पूनम जी और वो बहुत सारी तमाम जितनी भी रुद्रपुर की महिला बहनें हैं बाहर से जिन्होंने भी समर्थन दिया, मैं उन सबके जज्बे को सलाम करती हूँ और उनको ये अपील करती हूँ कि आपने आज रुद्रपुर में लड़ाई लड़ी है, आगे आने वाले समय में आप जहाँ जो घटना हो उस लड़ाई में हम लोगों का साथ दें और हम मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर एक जन आंदोलन छेड़ें महिलाओं के सवाल पे, बच्चियों के सवाल पे और तमाम तरीके की जो विषमता वाली जो व्यवस्था है उसके सवाल पे। मैं ये इसलिए इस चीज़ का आह्वान करते हुए आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ रुद्रपुर नहीं, वो सिर्फ हितेश की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई थी, एक महिला की लड़ाई नहीं थी, तमाम देश की उन तमाम महिलाओं की लड़ाई थी जिसमें आज ये स्थिति आ गई कि ऋषिकेश से डीआईजी साहब ने ये फरमान जारी किया मीडिया में कि थानों में सुनवाई नहीं हो रही है और तमाम थानों में उन्होंने लेटर भेजा कि जल्द से जल्द जो है थानों में महिलाओं की सुनवाई की जाए, जो भी कोई केस लेकर आता है उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती उस पर किया जाए। तो एक जागरूक अभियान के रूप में मैं उसको देखती हूँ और जो लोगों ने इसको किसी भी दृष्टि में देखा हो, चाहे नकारात्मक दृष्टि में देखा हो चाहे सकारात्मक दृष्टि में देखा हो, इस तरीके की चीजें आंदोलनों में होती रहती हैं और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी आंदोलन वहाँ लड़ा गया उससे पूरे रुद्रपुर में, पूरे उत्तराखंड में एक नई जागृति, एक नई क्रांति हुई है महिला के सवाल पे। और दूसरे जब हम आंदोलन कर रहे थे उसी समय एक बच्चा अस्पताल में जो है मर गया था स्टाफ की लापरवाही से, उसी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में, और वहाँ लोगों ने जो है हो हल्ला मचाया और उसको लेकर SP यहाँ वहाँ थाने गए, DM को एक लिखित में दिया। तो ये ही एक शुरुआत होती है किसी भी लड़ाई को ब्रॉडर लेवल पे खड़ा करने की और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी और इससे हमें एक सकारात्मक पहलकदमी करते हुए इस लड़ाई को हमें आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि देश के जो हालात हैं वो बहुत विषम हैं, बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है और छेड़छाड़, बलात्कार, हत्या, अपराध जैसी घिनौनी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं मुस्लिम बच्ची के साथ होती हैं तो भी गलत है, हिंदू बच्ची के साथ होती हैं तो भी गलत है।